हे हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं उस शुभम और आप देख रहे हैं शुभम पर यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ आपको डिटेल्स के बाद बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक IRCTC एजेंट है और पी नियर बाई में काम करते हैं तो IRCTC एजेंट का जो रिसीव होता है, जो IRCTC एजेंट का सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो की पूरी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप एक पी नियर बाई की IRCTC एजेंट है या तो फिर आप पी नियर बाई में काम करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे आप रेल बुकिंग की एक नई ऑप्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर रेल बुकिंग की रजिस्ट्रेशन किए हैं या तो फिर आप अगर IRCTC एजेंट के लिए अगर नई अप्लाई किए हैं तो कुछ ही दिन में आपको IRCTC एजेंट ID जो है वो आपको मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे IRCTC एजेंट का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। कुछ ही दिन पहले ये सर्विस जो था ये नहीं मिल रहा था, इसलिए अब कुछ ही दिन पहले ये सर्विस चालू हो गया है और ये सर्विस जो है मतलब जो सर्टिफिकेट है ये अभी डाउनलोड होने लगा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो की पूरी डिटेल्स आप सभी को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अगर IRCTC का एजेंट है पी नियर बाई में तो आप रेल बुकिंग ऑप्शन में चले जाइए। जैसे ही आप यहाँ पे चले आते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, डेट और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम टू, ये ऐसे वाले बहुत सारे ऑप्शन। इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे IRCTC डूज एंड डोंट्स यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस डाउनलोड सर्टिफिकेट को, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड जो है हमारा अभी चालू हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए सर्टिफिकेट की प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये जो फाइल है ये आपको कई बार यहाँ पे शो नहीं होगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप थोड़ा फॉलो कीजिए। आपके पास डाउनलोड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ IRCTC डाउनलोड जो चीज़ें दिया गया है IRCTC सर्टिफिकेट डाउनलोड सक्सेसफुली, इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। देखिए कुछ ही देर पहले जो ऑप्शन हमें शो हो रहा था ये फिर से शो हो रहा है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स पर जाके सेव हुआ है। आप भी अगर ये चीज़ अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं या तो फिर आपके पास भी ये नहीं आ रहा है, आप सिंपली आपकी जो फाइल मैनेजर है उस पर चले जाइए। तो यहाँ पे जैसे ही हमें ये सक्सेसफुली दिखा देता है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड मैनेजर IRCTC सर्टिफिकेट सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड होने पर यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC सर्टिफिकेट डाउनलोड सक्सेसफुली। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आप अपने फाइल मैनेजर पे चले जाइए। हम यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC सर्टिफिकेट जो है हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो जिस तरह से हमारा IRCTC सर्टिफिकेट जो है हमें मिल जाता है, अगर आप भी अपनी IRCTC सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस तरह से कुछ इस प्रोसेस से आप अपनी IRCTC सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ये जानकारी अगर आप सबको फ़ायदा होने वाला है और पी नियर बाई की कुछ जानकारी आपको बाद में भी चाहिए होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल शुभम फॉर यू में अगर आप हमारे मेंबरशिप आते हैं तो लेटेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वीडियो, कुछ जानकारी वीडियो आपको हर टाइम मिलता रहता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय दोस्तों।